हे गाइस, आज इस वीडियो में OnePlus Nord 4 के साथ SRA फोन का चार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन करने वाला हूं। सबसे पहले सारे फोन का नेम और स्पेसिफिकेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं। Oppo Reno 12 में मिलता है 5000 mAh का बैटरी, 80 वाट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर दिया है। Oppo F27 Pro Plus में मिलता है 5000 mAh का बैटरी। देखिए यहां पे 67 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स दोस्तों 80 वाट का चार्जर दिया है, लेकिन चार्ज होगा 67 वाट के चार्जर से। Realme 13 Pro में मिलता है 5200 mAh का बैटरी और 45 वाट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर आउट ऑफ बॉक्स दिया है। OnePlus Nord 4 में मिलता है 5500 mAh का बैटरी, 100 वाट का चार्जर आउट ऑफ बॉक्स मिलता है। OnePlus Nord CE 4 में मिलता है 5500 mAh का बैटरी, यहां पे भी 100 वाट का चार्जर आउट ऑफ बॉक्स मिलता है। और Motorola H50 Fusion में मिलता है दोस्तों 5000 mAh का बैटरी, यहां पे 68 वाट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर आउट ऑफ बॉक्स दिया है। सबसे पहले चलो सारे फोन को मैं चार्जर के साथ कनेक्ट कर लेता हूं। सारे ही फोन को मैं चार्जर के साथ कनेक्ट कर लिया हूं और हर एक फोन में दोस्तों यहां पे 0% चार्ज है, तो पावर को मैं सारे ही फोन में ऑन कर देता हूं और स्टॉप वॉच को भी स्टार्ट कर देता हूं। 5 मिनट हो चुका है दोस्तों। अगर आप चार्जिंग के पास देखोगे, रेनो में 13% हुआ है, ओप्पो F27 Pro Plus में 14% है, रियलमी में 10% है, OnePlus Nord 4 में देखिए दोस्तों यहां पे 23% हो चुका है, Nord CE 4 में 19% है और यहां पे Moto में 14%। 15 मिनट कंप्लीट हो चुका है और चार्जिंग के पास देखिए, Motorola के फोन में दोस्तों 38 है, Nord CE 4 में 49 है, Nord 4 में 51 है और यहां पे देखिए रियलमी में 28 है। देखिए 45 वाट का चार्जर दिया है, इसके वजह से स्लो चार्ज हो रहा है, लेकिन दोस्तों Oppo F27 Pro Plus और Reno 12 में बहुत स्लो चार्ज हो रहा है दोस्तों। मतलब F27 Pro Plus में 35 और Reno में 32 है। 30 मिनट कंप्लीट हो चुका है, Motorola के फोन में 72 है और OnePlus Nord CE 4 में 91 है, Nord 4 में 94 है, Realme के फोन में 58 है, Oppo F27 Pro Plus में 62 है और Reno में देखिए 59 है। देखिए ये तीनों फोन थोड़ा सा स्लो चार्ज कर रहा है, वरना ये तीनों फोन बहुत फास्ट चार्ज कर रहा है। मुझे पता नहीं दोस्तों ये तीनों फोन क्यों स्लो चार्ज कर रहा है। ये जो टेस्ट है बिल्कुल जेन्युइन टेस्ट है दोस्तों। ऐसा मत बोलना कि किसी भी जगह में ये सारे फोन का मैं चार्जर को ऑन रखा और ये सब कुछ बंद कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन टेस्ट है। बाकी ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है अभी तक ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये सारे वीडियो बनाने के लिए सच में दोस्तों बहुत मेहनत लगता है। अब चलो दोस्तों हीटिंग टेस्ट कर लेते हैं। Motorola के फोन में 38 हो चुका है दोस्तों, Nord CE 4 में 35 के आसपास है, Nord 4 में देखिए 35 के आसपास है, Realme में देखिए 36 के आसपास है और Oppo F27 Pro Plus में भी 36 के आसपास है और Reno में भी 36 के आसपास है। तो Motorola थोड़ा सा हीट अप हुआ है, 38 के आसपास पहुंच गया है। फाइनली दोस्तों OnePlus Nord 4 में 100% यहां पे चार्ज हो चुका है, तो चलो इस फोन को हम लोग पलट देंगे और बहुत जल्द CE 4 में भी फुल चार्ज हो जाएगा। तो चलो यहां पे फुल चार्ज होने के लिए और कितना टाइम लगता है वो चेक करते हैं। फाइनली OnePlus Nord CE 4 में दोस्तों 100% चार्ज हो चुका है, वो भी 37 मिनट में। तो इस फोन को भी हम लोग पलट देंगे और बहुत जल्द Moto के फोन में भी 100% चार्ज होने वाला है। तो ये चारों फोन में कितना जल्दी जल्दी चार्ज होता है वो भी चेक कर लेते हैं। 45 मिनट कंप्लीट हो चुका है, Motorola के फोन में 94% चार्ज हो चुका है, यहां पे Realme के फोन में 81% है, Oppo F27 Pro Plus में 82 है और Reno में देखिए 81 है। तो चलो देखते हैं सारे ही फोन फुल चार्ज होने के लिए और कितना टाइम लेता है। फाइनली दोस्तों Motorola के फोन में भी 100% चार्ज हो चुका है, वो भी 50 मिनट में। तो चलो इस फोन को भी हम लोग यहां पे पलट देते हैं, बाकी ये तीनों फोन फुल चार्ज होने के लिए और कितना टाइम लगता है वो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। फाइनली दोस्तों Oppo Reno में भी 100% चार्ज हो चुका है और यहां पे Oppo F27 Pro Plus 5G में भी 100% चार्ज हो चुका है, लेकिन Realme में अभी भी 91-92% चार्ज है। तो यहां पे फुल चार्ज होने के लिए और कितना टाइम लगता है वो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। फाइनली दोस्तों Realme के फोन में भी 100% चार्ज हो चुका है, वो भी 1 hour 5 minutes में। ये था दोस्तों चार्जिंग टेस्ट वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।